YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं यहां मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव पतरामपुर में। पिछले काफ़ी दिनों से यहां वर्षा न होने के कारण लोगों के वाटर लेवल डाउन होने से लोगों के हैंड पंप सूख गए हैं। लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो मेरे सामने कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करूंगा कि क्या स्थिति है नलों की। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। तो आपका हैंड पंप पानी छोड़ गया? कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 15 दिन? हाँ। तो आपको दिक्कत हो रही है, पानी लाना पड़ा होगा। भर के कहाँ से लाते हो? दूसरे से लाने, कभी बहुत से जाते जाते भर के। अच्छा, कभी कैसे जाते हैं भर के, इसके लाने। अच्छा। तो अब मैं बात करूंगा हमारे सामने एक और, ये श्री महेंद्र शर्मा जी, तो इनसे वार्ता करेंगे। तो शर्मा जी, हैंडपम्प क्या स्थिति है हैंडपम्पों की? पतरामपुर में दिनों दिन वाटर लेवल गिरता जा रहा है और पानी की किल्लत दिनों दिन होती जा रही है। यहाँ मजदूरों का गांव है, किसानों का गांव है, लेकिन पानी की त्राही त्राही से दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है और पूरा पतरामपुर सूखाग्रस्त होने के कगार पर है। सारे हैंडपम्प सूख चुके हैं। घर घर में लोग बहुत पानी से परेशान है। पानी की सख्त जरूरत है, पानी नहीं मिल पा रहा। हम सब लोग मजदूर आदमी क्या करें, पहले पानी है फिर बाद में और वही हमें नहीं मिल पा रहा, हम क्या करें। यहाँ पानी की कोई जल्दी। अच्छा, आपने इस संबंध में कहीं शासन प्रशासन को अवगत कराया? सर, यहाँ पर बहुत पहले हम सुनते चाहते हैं कि यहाँ पर एक पेयजल की टंकी मंजूर हुई है। कब से ये योजना चल रही है, लेकिन आज तक वो टंकी धरातल पर नहीं है। तो यहाँ आपके आसपास है कहीं टंकी सरकारी पेयजल विभाग की? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर टंकी है और उसका पानी इधर को नहीं आता है। टंकी एक सफेद हाथी बना खड़ा बढ़ियो वाले में खड़ा हुआ है। अच्छा, बढ़ियो वाले में है पेयजल? बढ़ियो वाले में है, लेकिन पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता उसका। अच्छा, तो अब मैं कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे बात करना चाहूँगा पेयजल के बारे में। तो बताइए, हैंडपम्पों की क्या स्थिति है यहाँ पतरामपुर क्षेत्र में? पानी छोड़ गए हैं बिल्कुल, आधे से ज़्यादा लगभग। अच्छा अच्छा, पानी छोड़ गए। हमारा खुद नल बिल्कुल आज 4-5 दिन हो गया पानी, बिल्कुल पानी की दिक्कत। समर्सिबल है उसमें, बाहर से भर रहे हैं पानी। अच्छा अच्छा, बोरिंगों की क्या स्थिति है? जो बोरिंगों की भी सत्ती जो खेती की सिंचाई के लिए बोरिंग है, तो उन्हीं की भी सत्ती यही है। लगभग 50-50 लगभग कम से कम 80% जो है पानी खत्म। अच्छा, पानी लगभग 80% पानी इस टाइम। अच्छा, समरसेबल भी पानी छोड़ गए? हाँ, आधे लगभग, कम से कम आधे जो हमारे गांव में है। इनके मंदिर है, मंदिर के पास में भी। तो इस समय लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। क्या, तो ये जो बढ़ियों वाले की टंकी है, तो इसका यहाँ लाइन वाइन बिछवाई बिछी नहीं बिछी? पहले थी कभी, कम से कम है ना अंकल, कम से कम 10 साल पहले का, जो 20 साल पहले कम से कम। अच्छा, कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, लाइन बिछी थी लेकिन सब पानी की सप्लाई नहीं हो पाई? कोई लाभ नहीं। उन्होंने ये पेयजल विभाग ने टंकी कनेक्शन दिए थे यहाँ? कनेक्शन नहीं दिए अभी इसमें। लगभग लॉकडाउन से पहले 6 महीने पहले फॉर्म भरे गए थे। अच्छा, टंकी लगेगी अब, उसके बारे में पता नहीं है। उसमें हमने भी करा था। अच्छा, आधार कार्ड। तो क्या क्या शुभ नाम है आपका? नौशाद नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, तो यही पतरामपुर के? हाँ, पतरामपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो फार्म भरे गए थे? हाँ, फार्म भरे गए। तो किसने भरे थे, पेयजल विभाग ने भरे थे किसने? नहीं, इतना तो खैर नहीं मैं कह सकता हूँ, पर लगभग लगभग 500 फार्म भरे गए थे। अच्छा, क्या कह रहे हो कि टंकी के कनेक्शन दिए जाएंगे? हाँ, ये टंकी के कनेक्शन उसी को ही मिलेंगे किसका जो है फार्म भरा होगा। अच्छा, तो वो कहाँ से जोड़ने के लिए कह रहे थे? वो नई टंकी के लिए कह रहे थे कि जब अच्छा यहाँ नई टंकी बनेगी। हाँ, पर नई टंकी बनेगी तो जो आप फॉर्म भर दोगे, अपने नाम भर दोगे, तो तब आपको कनेक्शन मिलेगा। लेकिन टंकी कब बनेगी, ये कोई कौन सा? ये उन्होंने नहीं कहा था कब बनेगी, 1 साल में, दो साल में, ये नहीं। जितने मर जाना संभव है, जैसे मंदिर। तो देखिए, लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और अपनी व्यवस्था सुना रहे हैं। तो इस समय जो है लगभग इस गांव के 50% आधे करीब नल पानी छोड़ गए हैं, समरसेबल भी पानी छोड़ गए हैं। तो इन लोगों की देखिए कितनी
दयनीय स्थिति है पेयजल के बारे में, और शासन प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा है। अभी कोई इस संबंध में किसी कोई लोग आए यहाँ पेयजल की समस्या के देखने के लिए? अच्छा, अभी पेयजल की समस्या वैसे अवगत कराया आप लोगों ने कहीं SDM वगैरह? नेता महाता अधिकारी लोग आते हैं, सभी से ही किल्लत कही जाती है, लेकिन सुने तब ना। अरे कोई सुध लेने वाला नहीं है, गरीबों का गांव है, मजदूर आदमी ज्यादा बसते हैं, शासन प्रशासन कोई पहुँच नहीं है। इलेक्शन है तो तब तो आएंगे, बस कहेंगे यहाँ टंकी भी लगेगी, हर गांव होगा, बाद में कुछ नहीं होना क्या हो रहा गरीब आदमी, कुछ नहीं होना, बस खाली अभी आएंगे 5-6 महीने बाद में इलेक्शन है। तो विधायक जी को अवगत कराया आप लोगों ने इसके संबंध में? विधायक जी को भी कहा तो बोले कि मेरी सरकार नहीं है। अच्छा, ये कहा? उन्होंने भी ये कहा कि मेरी सरकार नहीं, मैं कहाँ से जो लगाऊँ, इतना BJP की वो है सरकार, कांग्रेस का मैं। तो देखिए, जनप्रतिनिधि भी इनके सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रशासन को चाहिए कि पेयजल व्यवस्था इनकी की जाए। ये हैंडपम्प जैसे पानी छोड़ गए हैं, तो इनके बढ़ियों वाला बताई गई कि टंग पेयजल संस्थान है आमका के सामने, तो आप लोगों की क्या मांग है कि इसको वहां से जोड़ा जाए? नहीं, हम तो ऐसे चाह रहे कि नई टंकी अगर लगे, क्योंकि बढ़ियों वाले में पद्रामपुर में काफ़ी बड़ा अंतर है, ये ऊँचे पे है। अच्छा, पद्रामपुर जो है ऊँचे पे, बढ़ियों वाले जो है नीचे पे है, तो पानी नहीं आएगा, बढ़ियों वाले से पानी नहीं आएगा, पानी अगर जोर मारेगा तो फटेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले भी ऐसी हुआ ना, कम से कम ज्यादा मैं कहूँ तो कम से कम कम से कम 20 फीट का वो होगा अंतर लगभग। अच्छा, जो बढ़ियों वाला पेयजल की विभाग ने यहाँ वो लाइन बिछवाई थी, उस पर आज तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ? कोई कनेक्शन नहीं हुआ। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए सुशील चौहान।